हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सबको 2018 का जो टॉप 8 ऐप्स थे, जो पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा डाउनलोड भी किया गया था इस साल, तो यही है वो 8 ऐप्स। तो गाइस, आज मैं इसी 8 ऐप्स के बारे में आप सबको बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, पहला जो ऐप्स है वो जो हमारा ये जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको अपग्रेड करने के लिए है। नोटिफिकेशन बार भी बोल सकते हैं आप, तो उसको अपग्रेड करने के लिए, मतलब कि कस्टमाइज करने के लिए है। तो गाइस, ये है उस ऐप का कुछ इंटरफेस। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको ये वाला परमिशन जो है उसको दे देना है। तो गाइस, जैसे ही आप इसको परमिशन देंगे, तो गाइस जैसे कि आप भी देख सकते हैं, मेरा जो नोटिफिकेशन का पैनल का जो कलर था ब्लैक था, उसको अभी चेंज होके ब्लू हो गया है। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरा नॉर्मल नोटिफिकेशन पैनल का कलर, और अभी मैं इसको टर्न ऑन करूँगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कई कलर का ऑप्शन मिलता है, या फिर वो उन्होंने कुछ प्री इंस्टॉल जो नोटिफिकेशन का पैनल का जो कलर है वो दे रखा है, जैसे कि ये देखिए गाइस, या फिर ये वाला। तो गाइस, इसमें एक और फीचर्स है कि आप अपने गैलरी में भी अगर कोई फ़ोटो है तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो गाइस, इस ऐप को, इन जो 8 ऐप्स है, इस 8 ऐप्स का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना और इन ऐप्स को डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, चलते हैं हमारी नेक्स्ट ऐप्स की तरफ, जो है टॉक फास्टर। तो गाइस, टॉक फास्टर एक ऐसी ऐप्स है जिससे कि आप जो बेसिकली आपकी टाइम बचाता है, जो ऐप से आप अपनी व्हाट्सएप की कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो गाइस आपका अगर व्हाट्सएप का कोई कॉन्टेक्स्ट हो गया तो अगर वो आपको कोई वॉइस मेल सेंड करेगा तो आपको जस्ट यहाँ पे टैप करना है, फिर आपको सिलेक्ट करके इस शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि टॉक फास्टर को आप क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ से आप उसको स्पीड कस्टमाइज कर सकते हैं। और गाइस, वैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो वो बोलता होगा अगर भाई कैसे है, तो ऐसे अगर स्लो मोशन में भी बोलेगा तो आप उसको स्पीड फास्ट करके सुन सकते हैं, या फिर अगर कोई आपका फ्रेंड हो तो बोलेगा भाई कैसे है, और 1-2 मिनट के बाद बोलेगा कहाँ है भाई। तो अगर आप साइलेंट पार्ट जो है बीच का वो भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो और फिर आप अगर इस ऐप्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने कितना टाइम सेव किया। तो बस यही था। और गाइस, तीसरा जो ऐप्स है, तो गाइस वो आपकी दोस्त के प्रैंक के लिए है। तो गाइस, ये है वो ऐप्स कॉल वायरस प्रैंक। तो ये सब का ऐप्स आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको प्ले स्टोर से खोजने में परेशानी होती है। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, तो वहीं से जाके आप देख लेना। और गाइस, यहाँ पे आप लेंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने देर तक चलेगा, या फिर साइज, साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज भी है। उसके बाद यहाँ से अब मैं आप ये गाइस, ये ऐप्स को आपके फ्रेंड के फ़ोन में इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि वायरस आपको कैसी चाहिए। ये जस्ट जस्ट फॉर फन ऐप्स है, तो गाइस आपका फ्रेंड ज़रूर से चौंक जाएगा कि आप उनके फ़ोन में वायरस आ गया। तो गाइज़, इस ऐप में एक और भी है कि बोलते हैं ना कि आपका वाईफाई हैक हो गया, तो गाइज़ ये वाईफाई का भी है, अगर आपके फ्रेंड वाईफाई यूज़ करता है तो उसके लिए ये हैक आप कर सकते हैं, वो बंदा डर जाएगा। या फिर इसमें एक और है कि गाइज़ आपका फ़ोन जो है बेसिकली आपका फ़ोन वायरस आ गया, आप जाके सर्विस सेंटर में चेकआउट करें। तो गाइज़ ऐसा है इस ऐप का इंटरफेस, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से रन वायरस पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप करेंगे यहाँ से अलाउ कर दीजिए और बैक कर दीजिए, बस 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और गाइस, मैं बोलूँगा कि सबसे पहले इस ऐप को, जो आप इस ऐप्स को यूज़ करने से पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है ना, ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया। तो गाइस, आपको क्या करना है, तो
जैसे ये वायरस डिटेक्टेड, रिमूव फोटोज, रिमूव कंटेंट, तो आपका जो फ्रेंड है डेफिनेटली डर जाएगा। तो गाइज यहाँ से आपको जो ऐप्स का इन्फो है, ऐप्स को करने से पहले, तो हाँ, तो गाइज जो ऐप, अगर आपको आपके फ्रेंड को डराना है, तो गाइज पहले आपको नोटिफिकेशन में जाना है ऐप्स के, फिर ऐप्स के जो इन्फो है वहाँ पे जाना है, फिर नोटिफिकेशन में जाना है, फिर शो नोटिफिकेशन को बंद कर देना। तो इससे उसको क्या लगेगा कि यार नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, तो गाइज उसको लगेगा कि उसका फ़ोन सच में हैक हो गया और वायरस आ गया उसमें। जो नेक्स्ट ऐप से जो नंबर 4 है वो है डू यू स्क्रीन रिकॉर्डर। तो गाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलर, या फिर सब बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, या फिर मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डर यही यूज़ करता हूँ ड्यू का। तो गाइज इसमें क्या होता है कि आपको मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ साथ आपको लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं दूसरे का, या फिर आपको वीडियो टू जीप में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनेज करना है वीडियो कुछ तो वो भी कर सकते हैं, या फिर सेटिंग में जाके आप यहाँ से देख सकते हैं कि वीडियो रेजोल्यूशन आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी में चाहिए वीडियो। FPS भी मैं 60 FPS पे रखता हूँ, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, या फिर इन इसका जो रिकॉर्डिंग है ऑडियो का वो भी आप ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, वीडियो लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ कुछ वीडियो में ऐसा होता है ना कि कलर का प्रॉब्लम आ जाता है कुछ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद, तो ये गाइस जो कलर को भी इम्प्रूव करेगा, या फिर सिस्टम जो क्रैश हो जाता है सिस्टम का UI, तो उसको भी ये रिपेयर कर देगा। तो गाइस इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है कि गाइस मैं यहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो गाइस ये जो टाइमर मैंने सेट कर रखा है 3 सेकेंड, तो जैसे कि आप देख सकते हैं या ऊपर से कि ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन को थोड़ा सा हिलाता हूँ, तो जैसे ही मैं चेक किया फ़ोन को तो वीडियो पूछ हो गया, मतलब वीडियो वहीं से स्टॉप हो गया। तो गाइस ये अच्छा फीचर है, आप ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका जो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ब्रास का भी ऑप्शन है, GIF रिकॉर्ड कर सकते हैं, शो टचेस आई मीन टच करेंगे तो वो शो करेगा, वाटर मार्क भी आपको डिसेबल अनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस यही है इस ऐप का कुछ कमाल का फीचर। तो गाइज़ नेक्स्ट जो ऐप्स है वो है हाइपीरियन लॉन्चर। तो गाइज़ इस लॉन्चर को आपको, इस लॉन्चर में स्टॉक एंड्रॉयड वाला फीलिंग आएगा, जैसा गूगल पिक्सल या फिर पिक्सल XL, आई मीन कोई सा भी एक एंड्रॉयड 1 का जो फ़ोन है उसमें जैसा फीलिंग आता है ना, ये आपको वही देगा। पिक्सल का भी आपको यहाँ से बहुत सारे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये ऐप कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप्स है वो है एक ब्राउज़र का ऐप्स। तो गाइज इस वीडियो में मैं बेसिकली स्टेटस जो व्हाट्सएप का थोड़ा सा दिखाया मैंने आपको, फिर प्रैंग हो गया, फिर स्क्रीन रिकॉर्डर, लॉन्चर, और ये ब्राउज़र भी है, ये वाला ऐप्स जो है रिंगटोन के लिए, ये है एज के फीचर्स के लिए। तो बेसिकली मैं कुछ कुछ कैटेगरीज ले रहा हूँ, क्योंकि 2018 में तो बहुत ऐप्स थे पॉपुलर वाला, उतना तो मैं बना नहीं सकता वीडियो। गाइस नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा कुछ दिन के बाद, आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में। और गाइस नोटिफिकेशन पाने के लिए जो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो गाइस ये ऐप्स का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, आपको सब परमिशन दे देना है, उसके बाद आपको कोई सा भी आपका फेवरेट जो चैनल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको अनेबल एड ब्लॉकिंग करना है, आई मीन जो एड आता है ना उसको आप ब्लॉक करना है कि, तो कर सकते हैं यहाँ से ओके, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो गैस ऐसा हो गया, फिर आपको दिखाएगा कि ये ब्राउज़र को आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं तो नहीं। तो गैस फिर आएगा जो होम स्क्रीन में ये ब्राउज़र का आएगा, आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका होम स्क्रीन मतलब इस स्क्रीन में आपको ये ब्राउज़र का दिख जाएगा। तो गाइस इस ब्राउज़र से क्या होगा कि आप अगर कोई भी वर्ड्स या फिर कोई भी कुछ सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग जो वेबसाइट है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से ही सब वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं कि उस वर्ड को अलग अलग वेबसाइट में क्या क्या दिखाता है। तो जैसे कि ये मैंने ऑलवेज़ल पे किया, तो जैसे गूगल पे ऑलवेज़ल पे करने से
ये आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ से आप अगर राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में ये ऐप्स का मीनिंग क्या है, इस ऐप्स का जो सर्च करेंगे तो क्या क्या दिखेगा इस वेबसाइट में, ये सब देख सकते हैं। मतलब कि आपको दूसरे पेज खोलने का या फिर कोई और ब्राउज़र से आपको दूसरे वेबसाइट में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आप यहीं से ही सब देख सकते हैं सब वेबसाइट में। तो गाइज हम बढ़ते हैं हमारी नंबर 7th की जो ऐप है उसके तरफ। तो गाइज ये है जेड जेड जो है कि एक वॉलपेपर, एक रिंगटोन या फिर कुछ भी आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आपको फ़ोन को, जैसे कि आप वहाँ पे नोटिफिकेशन का साउंड हो गया, वीडियो वॉलपेपर हो गया, वॉलपेपर रिंगटोन, नोटिफिकेशन टोन जो हो गया, ये सब अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो गाइज ये ऐप्स की मदद से कर सकते हैं। तो गाइज इस ऐप्स का जो सबसे ख़ास फीचर है कि इस ऐप्स को आप डाउनलोड फ्री में होगा, तो डाउनलोड आपको फ्री मिलेगा। तो आपको बस यहाँ पे आना है, जिसको डाउनलोड करना है उसको चूज़ करना है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे डाउनलोड दिख जाएगा इस साइड की तरफ जहाँ पे मेरा फिंगर है उस साइड की तरफ, तो आपको वहीं से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, तो यहीं से अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर सेट करना चाहते हैं तो यहीं से सेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे सेट जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सेट पे जाना है, फिर आपको एडजस्ट पे करना है या फिर लॉक स्क्रीन करना चाहते हैं या फिर सेट वॉलपेपर पे करना चाहते हैं, ये आपको सिलेक्ट करना है, फिर ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा। या फिर आपको अगर डाउनलोड करना है तो गाइस यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे 3 डॉट का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस अगर ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट ऐप की तरफ। तो गाइस अगर आपने जी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना भाई, न्यू चैनल है थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए आप सब। तो गाइस ये है हमारा लास्ट ऐप जो है एज एक्शन। तो गाइस एज एक्शन मतलब आपको जो यह इस साइड आपको दिख गया ना एक बार, तो गाइस इस साइड में जो बार है इसको बोलते हैं एज, तो एच में एक बार आ जाएगा और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आपको चाहिए। तो गाइस यही कुछ ऐप्स है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे मैं अभी कोई सा भी ऐप्स खोल लूँगा, जैसे मैं अभी केक ब्राउज़र में गया, तो मेरे को केक ब्राउज़र को खोलना है, उसके साथ साथ ही मेरे को क्रोम ब्राउज़र भी खोलना है, प्ले स्टोर में भी जाना है। तो गाइस यही से आप कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में गया गाइज यहीं से आपको जो ऑटो रोटेटिंग माइक वॉल्यूम अप डाउन का बटन आ जाता है, फ्लैश आ जाता है, यही सब कर सकते हो गाइज। इस ऐप्स में आपको इनबिल्ट पावर का भी ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन कैप्चर मतलब स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, बैक और होम सब का ऑप्शन मिलेगा, तो यही से आप कर सकते हैं। और गाइज इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर है ये बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है, मैंने जब जब इसको ट्राई किया ये कमाल का एक्शन करता है, और गाइस रिकॉर्ड भी अच्छा कर लेता है। तो जो क्विक टूल भी मिलेगा, अगर आपके फ़ोन में कोई क्विक टूल होगा जैसे मेरे पे है तो वो भी आपको मिलेगा। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और मेरी अगले वीडियो के लिए गाइस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना।